हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाइंड एडुटेक क्लास। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्लास 11th का यूनिट 8, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस। एंड आफ्टर दैट हम लोगों ने बात किया नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस में हम लोगों ने देखा कि हर बिजनेस में एक अमाउंट ऑफ मनी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं, बिजनेस हमारा रन कर रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बिजनेस जब हम रन कर रहे होते हैं तो वहाँ पर शॉर्टेज ऑफ फंड हो जाता है, यानी पैसे की कमी हो जाती है, जिसके कारण हम अपने बिजनेस को प्रॉपरली रन नहीं करवा पाते हैं, या कभी कभी वो चीज़ हम अपने बिजनेस में इनबिल्ट नहीं कर पाते हैं या परचेज नहीं कर पाते हैं जिसका उस समय बहुत रिक्वायरमेंट होता है, यानी बहुत उसका ज़रूरत होता है। तो ये बताता है कि हर एक बिजनेस को रन करवाने के लिए हमारे पास एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, या उतना पैसा होना ज़रूरी है कि वह हम अपने एक्सपेंसेस को बेयर कर पाए, ओके, या रिस्क को थोड़ा रिड्यूस कर पाए। एंड आफ्टर डैट हम लोगों ने बात किया फिक्स्ड वर्किंग रिक्वायरमेंट्स के बारे में एंड कैपिटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात किया। एंड आफ्टर डैट हम लोगों ने क्लासिफिकेशंस के बारे में बात किया, और क्लासिफिकेशंस को हम लोगों ने 3 पॉइंट में डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, ओके, जिसको हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया। उसमें हम लोगों ने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड में हम लोगों ने शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म, ये इन सब के बारे में बात किया था। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रॉम पॉइंट नंबर 2, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के बेसिस पर हम आज बात करेंगे। द सोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू ऑनर्स फंड एंड बोरोड्स फंड। अगर हम ऑनरशिप की बात करते हैं तो ऑनर्स फंड को हम लोग कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, तो सोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड, जो हमारा सोर्स है जहाँ से हम पैसे को कलेक्ट करते हैं या अपने बिजनेस में लगाते हैं, तो हम ऑनर्स फंड के थ्रू लगा सकते हैं, ओके, एक तो ये बताता है। दूसरा बोलता है बोरोड फंड, ओके, एक ऑनर्स फंड वो फंड है जो एक कंपनी के ऑनर का होता है, और बोरोड फंड यानी हम कहीं से बोरो कर रहे हैं, उधार ले रहे हैं, है ना। तब ये कब होगा, जब हमारे बिजनेस में पैसे की कमी हो जाएगी, और उस कमी को पूरा करने के लिए, है ना, जब पैसे की कमी हो जाएगी तो हमें तो बिजनेस कंटिन्यू रखना है, बिजनेस को लंबे समय तक रन करवाना है। अप्स एंड डाउन्स तो बिजनेस में लगे रहते हैं। जब कभी बिजनेस डाउनफॉल की ओर जाता है, क्या हम अपने बिजनेस को बंद कर देंगे? बिल्कुल नहीं। तो हम क्या करेंगे, जब भी बिजनेस डाउनफॉल की ओर जाएगा तो हम उस चीज़ पर ध्यान देंगे और उससे ओवरकम होने का प्रयास करेंगे। मान लेते हैं कि ऑनर फंड में पैसा नहीं है, ओके, तो हम क्या करेंगे, बोरोड फंड के थ्रू जा सकते हैं कंपनी में, लेकिन हम पैसा इन्वेस्ट ज़रूर करेंगे। नाउ ऑनर्स फंड मींस फंड्स दैट आर प्रोवाइडेड बाय द ऑनर्स। ऑनर्स फंड का मतलब ये होता है कि वो पैसा, ओके, वो फंड्स जो किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, ऑनर्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। ये जो है नाम से ही पता चल रहा है। अगर कोई भी बोले कि ऑनर्स फंड क्या होता है, तो हम डायरेक्टली केवल पढ़कर ही बता सकते हैं कि ऑनर है, ओके, और उसका पैसा है, तो उसके द्वारा जो कंट्रीब्यूट किया जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, ऑनर्स फंड बोलेंगे, ओके। ऑफ एन इंटरप्राइजेस विच मे बी अ सोल ट्रेडर। अगर हम ऑनर्स फंड को इन्वेस्ट करना चाहते हैं या लगाना चाहते हैं तो कहाँ लगाएंगे, इंटरप्राइज में लगाएंगे। और वो इंटरप्राइज क्या होगा, वो हो सकता है सोल ट्रेडर भी हो सकता है, ओके, पार्टनर्स भी हो सकते हैं, या शेयर होल्डर्स भी होंगे। तो सोल ट्रेडर्स जब भी अपने बिजनेस में पैसा लगाएगा तो ऑनर्स फंड में इंक्लूड होगा। पार्टनर्स जब भी अपने फर्म में पैसा लगाएंगे तब भी वो ऑनर्स फंड में इंक्लूड होगा। और
कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनके द्वारा जो कंट्रीब्यूट किया जाएगा या उस बिजनेस में या कंपनी में पैसा लगाया जाएगा वो सारा का सारा पैसा ऑनर्स फंड के अंदर ही इंक्लूड किया जाएगा। ओके, हम उसको बोरो फंड में इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट, इशू ऑफ इक्विटी शेयर एंड रिटेन अर्निंग आर द टू इम्पॉर्टेंट सोर्स वेयर द ऑनर्स फंड कैन बी ऑप्टेन। अब हम बात करते हैं कि ऑनर्स फंड को हम कहाँ से ऑप्टेन कर सकते हैं, या वो पैसा जो ऑनर का होगा और वो पैसे को हम कंपनी में लगाएंगे, तो हम उसको ऑप्टेन कर सकते हैं दो तरीके से। एक तो जो हमारा इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनके द्वारा जो कॉन्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, तो हमने देखा इशू ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर को इशू करके। दूसरा ये बोलता है रिटेन अर्निंग। ओके, यानी जितना हमने प्रॉफिट कमाया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और जो पैसा बच गया तो हम लोगों ने क्या कर दिया, उसको सेफ जगह पे रख दिया, जब भी कंपनी को ज़रूरत पड़ेगा तो हम क्या कर सकते हैं, रिटेन अर्निंग को यूज़ कर सकते हैं। कंपनी का ही पैसा है, कंपनी के द्वारा ही कमाया गया है, सारे एक्सपेंसेस को हमने पूरा कर दिया, जितने भी क्रेडिटर्स थे उनको सारा पेमेंट कर दिया, जितने भी डिवेंचर होल्डर्स थे या प्रिफरेंशियल शेयर थे सारे को हम लोगों ने उनका हिस्सा दे दिया। अब जो पैसा बच गया तो उसको हम लोगों ने रिटेन कर दिया। ओके, तो सोर्सेज वेयर द ऑनर्स फंड कैन बी ऑब्टेन। पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, द सोर्सेज ऑफ रेजिंग बोरोड फंड इंक्लूड लोन्स। अगर हम बात करते हैं कि हम पैसा कैसे रेज कर सकते हैं फ्रॉम बोरोड फंड से, तो ये इंक्लूड करता है क्या, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इशू ऑफ डिवेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट एंड ट्रेड क्रेडिट। तो इसके तहत हम क्या कर सकते हैं, बोरोड फंड को रेज कर सकते हैं। बोरोड फंड आर प्रोवाइडेड फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। अगर हम बोरोड फंड के थ्रू पैसा कंपनी में लाते हैं, ओके, तो ये एक सर्टन पीरियड के लिए होता है, एक टाइम का बॉन्डेशन होता है, और केवल उतने ही समय के लिए हम उस कंपनी में वो पैसा यूज़ कर सकते। पैसा तो हमने यूज़ कर लिया, लेकिन जिनका पैसा हमने यूज़ किया है एंड आफ्टर डैट हमें वो पैसा उन्हें चुकाना पड़ेगा, एंड कंडीशन हैव टू बी रिपेड एंड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड। जब भी उस टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग जितने समय के लिए पैसा लिया गया है, अगर उसका एक्सपायरी डेट आ जाता है तो उसके बाद हमें क्या करना होगा, उन्हें रिटर्न करना पड़ेगा। अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इज टू बी पेड। अगर हम बोरोड फंड के अंदर किसी से पैसा लेते हैं या अपनी कंपनी में उनका पैसा लगवाते हैं तो उन्हें हम क्या करते हैं, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करते हैं। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बोलेगा कि हमने किसी और के पैसे को अपने कंपनी में लगाया है। अब कोई भी ऐसा तो व्यक्ति है नहीं कि किसी प्रॉफिट पर वो अपनी चीज़ों को दूसरे पे नहीं देगा। अगर हम एक बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस करने का मेन पर्पस ये है कि हमें क्या करना है, प्रॉफिट कमाना है। हमको क्या गेन करना है, गुडविल मार्केट में गेन करना है, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो यहाँ पर अगर एक बिजनेसमैन प्रॉफिट अर्न करना चाह रहा है तो उसी प्रकार जितने भी बोरोड फंड के थ्रू हम पैसा कलेक्ट करेंगे उनको भी तो कुछ ना कुछ क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, उन्हें भी तो कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए। तो वो फ़ायदा कब देखेंगे, जब उन्हें कंपनी के द्वारा कुछ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि सोर्सेज को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ऑनर्स फंड में और बोरोड फंड में, तो इसमें हम कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, तो देखेंगे हम लोग यहाँ पर सोर्सेज, इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला पार्ट बोलता है ऑनर्स फंड्स, सेकंड पार्ट बोलता है पार्ट ए एंड बी, बी बोलता है बोरोड फंड। ओके, अब हम बात करते हैं कि ऑनर्स फंड के अंदर हम किसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंक्लूड करेंगे किसे, इक्विटी शेयर को। ओके, सबसे पहले हम लोगों ने किसको इंक्लूड किया, इक्विटी शेयर को। इसके बाद हम लोग किसको इंक्लूड करेंगे,
तो हम लोग इंक्लूड करेंगे प्रिफरेंस शेयर को। है ना, तो सबसे पहले हम लोगों ने इक्विटी शेयर को इंक्लूड किया, देन हम लोगों ने प्रिफरेंस शेयर को, देन रिटेन अर्निंग। मैंने आपको यहां बताया था रिटेन अर्निंग के बारे में, तो ये भी तो कंपनी का पैसा है या ऑनर्स का पैसा है, तो रिटेन अर्निंग। ओके, अब इसके बाद क्या आएगा, तो इसके बाद आएगा जीडीआर। जीडीआर क्या होता है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट। ओके, इसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। देन हम बात करेंगे एडीआर के बारे में, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट, एंड आफ्टर दैट आईडीआर, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीप्ट। तो ये जो है ये इंक्लूड होगा ऑनर्स फंड में, इक्विटी शेयर, प्रिफरेंस शेयर, रिटेन अर्निंग, ओके, एंड जीडीआर, एडीआर एंड आईडीआर। अब हम बात करते हैं कि बोरोड फंड में हम किसे इंक्लूड कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बोरो फंड में इंक्लूड होंगी और जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, फंड को रेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें इंक्लूड होगा वो हमारा डिवेंचर है। ओके, सबसे पहले क्या इंक्लूड हुआ इसमें, डिवेंचर। उसके बाद हम क्या इंक्लूड करेंगे, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल बैंक्स। हम लोन लेंगे कहां से लेंगे, फाइनेंशियल बैंक। ओके, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल बैंक। देन हम बात करेंगे पब्लिक डिपॉजिट के बारे में, इसमें इंक्लूड होगा ट्रेड क्रेडिट, है ना। तो ये सारे जो पॉइंट्स है वो किस में इंक्लूड हो रहे हैं, ये इंक्लूड हो रहे हैं बोरोड फंड में। देन हम और इसमें इंक्लूड कर सकते हैं लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक और आईसीडी, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। आईसीडी इंक्लूड कर सकते हैं हम लोग, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। देन हम बात कर सकते हैं इसमें लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक। ओके, तो सोर्सेस को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया, ऑनर्स फंड और बोरोड फंड। ऑनर्स फंड के अंदर हम लोगों ने देखा इक्विटी शेयर, प्रिफरेंस शेयर, रिटेन अर्निंग, जीडीआर, एडीआर और आईडीआर। नाउ वी हैव बोरोड फंड। तो बोरो फंड के अंदर सबसे पहले डिवेंचर आएगा, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल बैंक, पब्लिक डिपॉजिट। ओके, पब्लिक डिपॉजिट, ट्रेड क्रेडिट, आईसीडी एंड लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने कंपनी में पैसा लगा सकते हैं या इन सोर्सेस को यूज़ करके, चाहे हम बोरोड फंड को यूज़ करें या हम ऑनर्स फंड को यूज़ करें। यूज़ करने का मेन पर्पस ये है कि उस टाइम के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना, या उस समय जितने पैसों की आवश्यकता है उस आवश्यकता की पूर्ति करना, उसको पूरा करना, ये हमारा मेन पर्पस होता है। क्योंकि कभी भी बिजनेस में पैसे की आवश्यकता होती है, अगर हमने पूरा नहीं किया तो हमारा जो पर्पस है वो कहीं ना कहीं डिले होता चला जाएगा, जिसके कारण हमें ज़्यादा से ज़्यादा लॉस बेयर करना पड़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर 3, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन। ये क्या डिफाइन करता है या इसमें हम किस चीज़ को इंक्लूड कर सकते हैं, सो लेट्स सी। दीज फंड्स आर जनरेटेड फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। अगर हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ जनरेशन की, तो यहाँ पर हम कहाँ से जनरेट कर सकते हैं, तो हम जनरेट कर सकते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से हम जनरेट कर सकते हैं, और दूसरा ये बोलता है फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, यानी जो बाहर है, बाहरी सोर्स को हम यूज़ करके पैसा यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। ओके, इंटरनल सोर्सेज ऑफ फंड्स आर दोज दैट आर जनरेटेड फ्रॉम विद इन द बिजनेस। इंटरनल सोर्सेज में उन सारी चीज़ों को हम इंक्लूड करेंगे या वहाँ से हम फंड्स को
कलेक्ट करेंगे या जनरेट करेंगे जो विद इन द बिजनेस में इंक्लूड होता है, जिसको हम बिजनेस का ही पार्ट मानते हैं, जिसको हम बिजनेस का ही या ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट मानते हैं। फॉर एग्जांपल इक्विटी और रिटेन अर्निंग, है ना। तो रिटेन अर्निंग भी आएगा और इक्विटी भी आएगा, वही तो है जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन या विद इन द बिजनेस जिसको हम इंक्लूड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कैन बी जनरेटेड फंड फ्रॉम जनरली बाई एक्सेलरेटिंग कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल, डिस्पोजिंग ऑफ सरप्लस इन्वेंटरीज एट्सेट्रा। नाउ वी हैव एक्सटर्नल पार्ट। ये तो हमारा इंटरनल सोर्सेस था, अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल सोर्सेस के बारे में। एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फंड्स इंक्लूड डैट सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज उस चीज़ को इंक्लूड करता है या उस सोर्सेज को इंक्लूड करता है डैट इज लाई आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन, जो एक ऑर्गेनाइजेशन के बाउंड्री के बियॉन्ड जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, ओके तो हमारा कार्य करने का जो क्षेत्र है वो क्या है, किसके अंदर हम काम कर सकते हैं, तो इस बाउंड्री के अंदर हम अपना काम या अपने ऑर्गेनाइजेशन को परफेक्टली रन कर सकते हैं। तो ये हमारा इंटरनल सोर्सेज के अंदर हम यहाँ पे पैसा क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं या पैसा हम कलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर इसी बाउंड्री के बियॉन्ड जा कर के हम एक्सटर्नली हम क्या पैसे को जनरेट करते हैं या उस सोर्सेज को वो हम यूज़ करते हैं, तो वो हमारा कहलाता है एक्सटर्नल सोर्स, ओके। इसमें क्या हम इंक्लूड कर सकते हैं, सच एज सप्लायर्स, लेंडर्स या इन्वेस्टर्स, ओके। इशू ऑफ डिवेंचर, बोरोविंग फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट एंड सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फंड्स। अगर हम लोग एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फंड्स की बात करते हैं या कहाँ से हम जनरेट कर सकते हैं, तो पहला दिया है हमारा डिवेंचर्स, ओके। डिवेंचर को इशू करके हम कर सकते हैं फ्रॉम कमर्शियल बैंक। तो ये जो एग्जांपल है ये हमारा एक्सटर्नल भी इंक्लूड होगा, हमारा जो इक्विटी शेयर है या जो रिटेन अर्निंग है वो हम किस में इंक्लूड करेंगे, वो हम इंटरनल सोर्स में इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम इशू ऑफ शेयर, कैसे हम इशू कर सकते हैं। तो इशू ऑफ शेयर में सबसे पहले हम बात करेंगे इक्विटी शेयर के बारे में। इक्विटी शेयर रिप्रेजेंट द ऑनरशिप ऑफ द कंपनी। अगर हम बोलते हैं कि कंपनी का ऑनर कौन है या कंपनी का जो ऑनरशिप है वो किसके हाथ में है, तो कंपनी का जो ऑनरशिप है वो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास है। वो कौन होंगे, वो कंपनी के ऑनर होंगे। तो कंपनी का ऑनरशिप किसके पास होगा, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स कहलाएंगे, जिनके पास इक्विटी शेयर होगा, ओके। एंड डज द कैपिटल रेज बाई इक्विटी सच एज रेज बाई इशू ऑफ सच शेयर। तो कंपनी में अगर हमें कैपिटल रेज करना है तो कैसे करेंगे, तो हम इशू करेंगे क्या, शेयर इशू करेंगे, ओके। इज नोन एज ऑनरशिप कैपिटल और ऑनर्स फंड। अगर हम चाहते हैं कि इसको कोई और नाम दे या और नाम से जान पाए, इसे हम ऑनरशिप कैपिटल भी बोलते हैं या ऑनर्स फंड भी ये कहलाता है। दे आर रेफर्ड एड टू एज रेसिडुअल ऑनर, दे इंजॉय द रिवॉर्ड एज वेल एज द बेयर द रिस्क ऑफ ऑनरशिप। अगर इक्विटी शेयर को कंपनी का ऑनर बोला जा रहा है या वो कंपनी के ऑनरशिप को इंजॉय कर रहा है, तो क्या वो बेयर करेगा, वो रिस्क बेयर करेगा। जब कोई कंपनी का मालिक होता है जिसके पास सारा पावर होता है, तो पावर के साथ साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो आती है, कुछ जिम्मेदारी भी तो आती है ना। तो उसी प्रकार अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है या इक्विटी शेयर कंपनी का ऑनरशिप है उसके पास, तो वो कुछ ना कुछ तो रिस्क भी बेयर करेगा, क्योंकि वो फाइनली क्या चाह रहा है, उसको रिवॉर्ड मिल रहा है। तो जहाँ पर उसको रिवॉर्ड मिलेगा तो समहाउ उसको कुछ ना कुछ रिस्क भी बेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट वी हैव इज मेरिट्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स के कुछ मेरिट्स हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट, सूटेबल फॉर इन्वेस्टर्स, उन इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा सूटेबल है
who are willingly to assume risk for higher returns. जिनके अंदर इतना विलिंग विल पावर है या वो जो रिस्क है वो बेयर कर सकते हैं और वो ये चाहते हैं कि हम जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा हमें क्या मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। ज़्यादा रिस्क लेंगे तो ज़्यादा रिस्क से हो सकता है कि कंपनी किसी अच्छी जगह प्रॉफिट कमाए, अगर प्रॉफिट कमाएगा तो उससे जो रिटर्न मिलेगा वो किसको मिलेगा, एंड में जो मिलेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा। तो कंपनी अगर ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा सारे क्रेडिटर्स को पे करने के बाद जो पैसा बच जाएगा वो किसके पास होगा, वो इक्विटी शेयर्स के पास होगा। तो यहाँ पे रिटर्न मिलने का भी चांसेस ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर होल्डर इज नॉट कंपल्सरी सो नो बर्डन। अगर हम बात करते हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना कंपलसरी है, तो कंपलसरी या डिविडेंड उन्हें कब मिलेगा, जब कंपनी प्रॉफिट कमाएगा। प्रॉफिट कंपनी कमाएगा तभी तो इक्विटी शेयर्स होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाएगा या प्रॉफिट का वो हिस्सा दिया जाएगा जिससे जिसके बारे में उन्हें बताया गया है। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगा या प्रॉफिट कमाएगा। सो दैट कंपनी के ऊपर वो कंपलसरी नहीं है और वो बर्डन भी नहीं आता है कि हमें हर हाल में उन्हें चुकाना है, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को पहले ही बता दिया जाता है कि अगर कंपनी ने प्रॉफिट कमाया तो आपको मिलेगा, कंपनी ने प्रॉफिट नहीं कमाया तो आपको नहीं मिलेगा। उसके अलावा क्या है कि जितने भी क्रेडिटर्स हैं उनको पेमेंट करने के बाद अगर पैसा बचेगा तभी आपको मिलेगा। अगर उनको पेमेंट कर दिया गया और कंपनी के पास पैसा नहीं बचा तो इक्विटी शेयर्स को नहीं या इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा या प्रॉफिट का वो हिस्सा नहीं दिया जाएगा। तो ये कंपनी के ऊपर कोई भी बर्डन नहीं आता है। इक्विटी कैपिटल सर्व एज द परमानेंट कैपिटल। इक्विटी कैपिटल है जिसको हम परमानेंट कैपिटल्स के रूप में कंपनी से जोड़ सकते हैं, एज इट इज़ टू बी रीपेड ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। ओके, और इसको हम कब रीपेड करेंगे, कब दोबारा भुगतान करेंगे, जब एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट, इक्विटी कैपिटल प्रोवाइड क्रेडिट वर्दीनेस। इक्विटी कैपिटल क्या प्रोवाइड करता है, क्रेडिट वर्दीनेस प्रोवाइड करता है टू द कंपनी, कंपनी को, एंड कॉन्फिडेंस टू प्रोस्पेक्टिव लोन प्रोवाइडर्स। और लोन प्रोवाइडर्स को वो क्या दे रहा है, कॉन्फिडेंस दे रहा है, कॉन्फिडेंस उसका बिल्डअप कर रहा है। फंड्स कैन बी रेज थ्रू इक्विटी शेयर विदाउट क्रिएटिंग एनी चार्ज ऑन दी एसेट्स। फंड्स जो है वो रेज किया जा सकता है कहाँ से, इक्विटी को इशू करके विदाउट क्रिएटिंग एनी चार्ज ऑन द एसेट्स। ओके, नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर्स के बारे में हम लोगों ने पहले ही डिफाइन किया था कि इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो कंपनी का ऑनर है ना, ऑनरशिप जो है वो किसके पास है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास है। तो जब इक्विटी शेयर कंपनी का मालिक है और उसके पास क्या होगा, डेमोक्रेटिक कंट्रोल होगा, पूरे कंपनी का वो मालिक होगा और ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। मैनेजमेंट अगर हम चाहते हैं कि हमारा कुछ राइट बने, हमें कुछ वोटिंग पावर दिया जाए, हमारा भी कुछ सजेशन को इम्प्लीमेंट किया जाए कंपनी में, या हमें भी कुछ वैल्यू दिया जाए, तो वो कब पॉसिबल होगा, जब हम किसी कंपनी के इक्विटी शेयर को परचेस कर देंगे। अगर हम परचेस करेंगे तो कंपनी के हम क्या बन जाएंगे, मैनेजमेंट के पार्ट बन जाएंगे, है ना। तो वो लोग जो कंपनी के इक्विटी शेयर्स को परचेस करते हैं और परचेस करने के बाद वो कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स बन जाते हैं, उनको डेमोक्रेटिक कंट्रोल होता है ओवर द मैनेजमेंट, है ना, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। अब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है मेरिट्स। अगर कुछ मेरिट्स है तो साथ में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी होंगे इक्विटी शेयर्स के, सो देखते हैं उसको। इन्वेस्टर हु वॉन्ट स्टेडी इनकम, वो इन्वेस्टर जिन्हें तुरंत ही रिटर्न चाहिए होगा उनके लिए इक्विटी शेयर्स जो है वो अच्छा साबित नहीं होगा। मे नॉट प्रीफर इक्विटी शेयर एज इक्विटी शेयर गेट द फ्लैक्चुएटिंग रिटर्न्स। अगर हम डिवेंचर होल्डर्स की बात करते हैं या डिवेंचर्स की बात करते हैं, तो डिवेंचर्स में डिवेंचर होल्डर्स को एक सर्टन अमाउंट या फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है ना,
उनको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया जाता है। कंपनी अगर प्रॉफिट कमाती है या कंपनी अगर प्रॉफिट नहीं भी कमाती है तब भी डिवेंचर्स होल्डर्स को उतना परसेंटेज पे किया जाएगा, लेकिन सेम कंडीशन जो है वो इक्विटी शेयर्स पर इम्प्लीमेंट नहीं होता है। क्योंकि इम्प्लीमेंट इसीलिए नहीं होता है क्योंकि वो कंपनी का मालिक है। मालिक तभी अपने पास वो पैसा रखेगा जब उसने अपने पूरे क्रेडिटर्स को वो पैसा चुका दिया है जितना उसका मार्केट में बाकी है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि वैसे व्यक्ति जिनको तुरंत रिटर्न चाहिए, आज उन्होंने मान लेते हैं कि आज उन्होंने कंपनी में पैसा लगाया और वो चाहते हैं कि आफ्टर वन मंथ मुझे एक अच्छा प्रॉफिट मिले या विद इन अ वीक हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिले, तो उनके लिए इक्विटी शेयर्स प्रिफर नहीं करना चाहिए। क्योंकि वहाँ पर जो रेट उनको जो प्रॉफिट का वो हिस्सा मिलेगा वो हमेशा फिक्स नहीं होगा, वो फ्लैक्चुएट करेगा। लेकिन हम लोगों ने इसके मेरिट में देखा था कि वैसे इन्वेस्टर्स जो रिस्क लेना पसंद करते हैं, जिनको हायर रिटर्न चाहिए, तो जब हायर रिटर्न मिल रहा है तो रिस्क भी बेयर करना पड़ेगा। ओके तो यहाँ पर जो वही व्यक्ति ले सकता है इक्विटी शेयर जिसके अंदर रिस्क बेयर करने की पावर हो, तभी तो उसे रिटर्न भी हायर मिलेगा। लेकिन वैसे व्यक्ति जो रिस्क बेयर नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए इक्विटी शेयर बिल्कुल भी अच्छा साबित नहीं होगा, क्योंकि हमेशा इसमें फ्लैक्चुएशन लगा रहता है, ये फ्लैक्चुएट करता रहता है। ओके तो जब फ्लैक्चुएट करेगा तो हमेशा इक्विटी शेयर्स होल्डर को सेम अमाउंट में या सेम परसेंटेज में कैसे उसको दिया जाएगा वो रिटर्न। तो वैसे इन्वेस्टर को इक्विटी शेयर्स लेना ही नहीं चाहिए जिनके अंदर पेशेंस नहीं है या जो रिस्क बेयर नहीं कर सकते होंगे। ओके नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर इज जनरली मोर। इक्विटी शेयर्स को इशू करने का जो कॉस्ट है वो ज़्यादातर क्या है, वो ज़्यादा है। द कॉस्ट जो वो लागत जो है वो ज़्यादा है। क्यों लागत ज़्यादा है? क्योंकि ये कंपनी के ऑनरशिप को रिप्रेजेंट करता है ना। तो जब कंपनी के ऑनरशिप को रिप्रेजेंट करता है तो बहुत सारा प्रोसीजर, बहुत सारा स्टेप्स वन बाय वन फॉलो किया जाएगा, तब जाकर के इक्विटी शेयर को इशू किया जाता है। एज कंपेयर टू द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड थ्रू द अदर सोर्सेज, अगर हम अदर सोर्सेज को यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल डिवेंचर्स को यूज़ कर लिया, ट्रेड क्रेडिट को यूज़ कर लिया, है ना, और भी जो हमारे सोर्सेज हैं अगर उन्हें यूज़ कर लिया, तो उनको जो रेज करना, या हम प्रिफरेंस शेयर्स की बात करते हैं, उनको अगर हम लोगों ने यूज़ कर लिया तो उसका जो कॉस्ट है या लागत जो है वो हमेशा कम होगा। किसके कॉस्ट से? इक्विटी शेयर्स के कॉस्ट से। ओके क्योंकि ये ऑनरशिप को रिप्रेजेंट करता है, इसमें यहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्रोल हो रहा है किस पर? मैनेजमेंट पे। तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके ही हम इसको इशू करते हैं। इशू ऑफ एडिशनल इक्विटी शेयर डाइल्यूट्स द वोटिंग पावर। ओके फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि पहले कंपनी में चार लोग थे, ठीक है, जब चार लोग थे सारे लोगों को प्रॉफिट मिल गया तो कंपनी के पास बच गया फॉर एग्जांपल ₹20। तो ₹20 जब भी डिवाइड होगा तो सबको कितना कितना मिलेगा? 5-5 मिलेगा। तो जब सबको ₹5 मिल रहा है तो सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो मेंबर है वो कितने हैं? कम हैं। 4 मेंबर हैं, सारे मेंबर्स को ₹5 मिल रहा है और टोटल पैसा कितना बचा है? ₹20। तो हम देख रहे हैं कि वो लोग खुश हैं, लेकिन अर्निंग ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स ये बोलता है कि अगर हम इक्विटी शेयर को इशू करते हैं तो इससे सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो किसको होगा? जो लोग पहले से इक्विटी शेयर्स को होल्ड कर रहे हैं, है ना, वो व्यक्ति जो पहले से इक्विटी शेयर होल्डर है, अगर उसी के कंपनी में और भी शेयर होल्डर्स आने लगे, ओके, वो कंपनी और ज़्यादा इक्विटी शेयर इशू करने लगे, तो उससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको होगा या सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा? वो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को, क्योंकि जो उनका वोटिंग
वोटिंग पावर जो है या जो अर्निंग है वो भी कहीं ना कहीं रिड्यूस हो रहा है ना। अब पहले चार लोग थे तो पाँच पाँच रुपये मिल रहा था, अब हो गए पाँच लोग, तो अब प्रॉफिट जब भी मिलेगा तो चार रुपये मिलेगा, तो एक रुपये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो जब एक रुपये रिड्यूस हो गया तो लॉस किसको हुआ, वो लोगों को जो पहले से कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, है ना। तो ये किस में काउंट हो रहा है, ये लिमिटेशन में काउंट हो रहा है। नेक्स्ट, मोर फॉर्मेलिटीज एंड प्रोसीजर, डिले आर इन्वॉल्व व्हाई रेजिंग फंड्स थ्रू द इशू ऑफ इक्विटी शेयर। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो इक्विटी शेयर्स है इसको इशू करने के लिए बहुत प्रोसीजर अपनाना पड़ता है, बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ अगर हम पूरा कर रहे हैं, प्रोसीजर को पूरा कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसको रेज करने में टाइम लगेगा, जिसके कारण मान लेते कंपनी में अभी पैसे की आवश्यकता है लेकिन इक्विटी शेयर इशू करने में समय लग रहा है, क्या हम उस समय अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे या कंपनी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें सारा फॉर्मेलिटी पूरा करना होगा, प्रोसीजर पूरा करना होगा, तब जा करके हम लोग इक्विटी शेयर्स को इशू कर सकते हैं। ओके।